माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग के लिए। बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ, क्योंकि इस साल 2022 में होने वाले जो नीट एग्जामिनेशन है उसके लिए MBBS की सीटों का बढ़ना शुरू हो गया है। बहुत सारे स्टेट जो है वो अपने जिनके मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो चुके हैं, वो जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन को जो है वो अपना एप्लीकेशन के लिए सारी चार्ट भेज चुके हैं। और उसमें सबसे पहले आपको बता दूं, गुजरात स्टेट है जहां पे MBBS सीट बढ़ा दिया गया है। ऑलमोस्ट 700 प्लस MBBS सीट इंक्रीज हो रहा है, जहां पे आपका न्यू सिविल सूरत में 250, ये आपका समीमेर सूरत में 200, सेलवास में 150, ये भरूच में लिखा हुआ 150 और वलसाड़ में 150। ये इस तरह से आपके पास इतने सारे MBBS सीट गुजरात में इंक्रीज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नवसारी में भी 100 सीट और राजपिपला में भी 100 सीट को मंजूरी का इंतजार है, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ भी 100-100 सीट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर इस बार गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग लगभग मान के चलिए आप कि 900 से 1000 MBBS सीट इंक्रीज होने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज गुजरात के स्टूडेंट के लिए होगा। अभी बहुत सारे स्टेट में जो है वो आपके नए नए मेडिकल कॉलेजेस बन के तैयार है, जिनको लास्ट ईयर एफिलिएशन नहीं मिल पाया था वो भी एफिलिएशन के लिए बिल्कुल तैयार है। और उनका भी एफिलिएशन जैसे आता है, जिस जिस स्टेट का, सारे स्टेट का अपडेट मैं आप लोग तो रखूंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। और इसके साथ गुजरात वालों के लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताना चाहूंगा, चूंकि इस साल जो है वो 2022 में डिसीजन लिया गया है कि जो BSc नर्सिंग का एग्जामिनेशन होगा उसके वो नीट के थ्रू ही होना है, और नीट के थ्रू ही BSc नर्सिंग में एडमिशन होगा। बट गुजरात सरकार ने एक फैसला, अपना फैसला लिया है कि 2022 में जो है वो जैसे पहले होता था BSc नर्सिंग का एंट्रेंस और उसके थ्रू जो एडमिशन होता था, वैसे ही एडमिशन गुजरात में होगा। मतलब नीट एंट्रेंस के थ्रू जो है वो गुजरात में BSc नर्सिंग में 2022 में एटलीस्ट एडमिशन नहीं होने जा रहा है। तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे स्टेट भी इसको फॉलो करेंगे या नीट के थ्रू ही जाना पसंद करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन गुजरात ने क्लियर कर दिया बिल्कुल। और आपको बता दूं कि डॉक्टर महेंद्र चौहान, जो कि पूर्व सदस्य नेशनल मेडिकल कमीशन के हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि गुजरात में ये सारे मेडिकल कॉलेज 150-150 मतलब 450 और 2 650, और इधर आपके पास 2 मतलब 250, मतलब 900 MBBS के सीट डायरेक्टली इस साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है। जैसे किसी और स्टेट का अपडेट आता है मैं आप तक तो जरूर रखूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेटा ध्यान रहे, मैंने आपको 2200 क्वेश्चन रैंक बूस्टर का चंद्रहासर ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। एक बार केमिस्ट्री के वो 2200 क्वेश्चन रैंक बूस्टर के जरूर करके जाना नीट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नीट एग्जामिनेशन में, बड़ा अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और कोई आपको उसके लिए चार्जेस पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट वो 2200 रैंक बूस्टर क्वेश्चन है, आप एक बार उसको जरूर कर लेना।